एक चिड़िया के दो प्रश्न। पहला, छिपकली का घर क्यों नहीं होता? दूसरा प्रश्न, छिपकली मनुष्य के घर में क्यों रहती है? जय श्री महाकाल मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदू ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत शानदार कहानी लेकर आप सभी के बीच में आए हैं। यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण है। यदि आपने यह कहानी पूरी सुन ली तो आपको लगेगा कि आपने कई मुसीबतों से निजात पा लिया है, कई मुसीबतों का हल करने का आपके अंदर जज्बा आ गया है। इसलिए यह कहानी अंत तक जरूर सुनिएगा और यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत पुरानी बात है, एक राजा एक बार जंगल में शिकार खेलने गया। उसी जंगल में एक बहुत सुंदर वृक्ष था। वह राजा उस वृक्ष की छांव में आराम करने बैठ गया। उसी वृक्ष की डाल पर एक छोटी सी चिड़िया बैठी थी। उस चिड़िया ने राजा को देखकर पूछा, हे राजन, हमारे दो प्रश्न हैं, क्या आप हमें उनका जवाब दे सकते हो? राजा ने कहा, हाँ चिड़िया, तुम अपने प्रश्न पूछो, हम कोशिश करेंगे कि हम तुम्हारे प्रश्नों का सही जवाब दे पाएं। चिड़िया ने राजा से अपने दो प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न, छिपकली का घर क्यों नहीं होता? छिपकली मनुष्य के घर में क्यों रहती है? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, हे चिड़िया, अब तुम ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि बन रही थी तो सभी जीव जंतु अपने अपने हिसाब से अपना जीवन जीना शुरू कर रहे थे। मनुष्य बहुत बुद्धिमान था, अतः उसने अपना घर बसाकर, लीप पोत कर गाँव बसाए, नगर बसाए और वह रहने लगा। उसी तरह अन्य जानवरों ने भी अपने रहने का स्थान बना लिया, लेकिन छिपकली ऐसी है जिसने अपना घर नहीं बनाया। क्योंकि नर छिपकली आलसी होता है, कोई काम नहीं करता। बेचारी मादा छिपकली ही उसके लिए भोजन लेके आती है, कीड़े मकोड़े मारकर पकड़ के लेके आती है और उसे अपना पेट भरने के लिए देती है। नर छिपकली हमेशा जाड़ों में वहाँ एक चट्टान पर पड़ा धूप सेकता है। बरसात में वह चट्टान की किसी दीवार में घुस जाता है और जैसे ही गर्मी पड़ती है वह गर्मी में कहीं भी चट्टान के पास छांव देखकर पड़ जाता है। उसका उद्देश्य सिर्फ खाना पीना और मौज करना होता है। हे चिड़िया, छिपकली अपने मर्द के निकम्मेपन से बहुत परेशान थी। उसे समझाने की कोशिश भी करती और नर को अपना घर बनाने के लिए उकसाती रहती। नर भी उसे बड़े बड़े आश्वासन देता और फिर सो जाता। अब छिपकली भी समझाते समझाते थक चुकी थी। अंत में उसे कुछ कहना ही नहीं उचित समझा और उसने सोचा कि अब इसको कहने से कोई फायदा नहीं। एक दिन छिपकली भोजन की तलाश में घूमती हुई एक गांव के निकट पहुंची। उसने वहां सुंदर सुंदर घर देखे। इन घरों को देखकर उसकी भी इच्छा हुई कि काश मेरा भी इतना सुंदर घर हो। फिर उसने सोचा, घर कैसे होगा, उसका नर तो बहुत निकम्मा है। जब वह छोटे मोटे काम नहीं कर सकता तो घर कैसे बना पाएगा। उस दिन वह बहुत दुखी हुई और वापिस आई और अपने नर से कहा कि स्वामी, हमें भोजन ला कर दो। और वह जोर जोर से रोने लगी। उसने नर को बहुत भला बुरा कहा, उसे धिक्कारा और बोली, जाकर मनुष्य के घर देख, तू यूं ही जन्म काट रहा है, क्या तुझसे अपना एक घर तक नहीं बन सकता? नर ने कहा, अच्छा तू टेंशन मत ले, मैं तुझे बरसात के बाद शानदार घर बना कर दूंगा। भोली वाली छिपकली फिर से उस नर की बातों में आ गई और अपने घर के सपने देखने लगी। बरसात आई, निकल गई।
जाड़ा आया, निकल गया। छिपकली ने पूछा, स्वामी घर कब बनाओगे? तो नर ने कहा, बस बहुत जल्दी। फिर कुछ दिन बीत गए तो छिपकली ने पूछा, घर का काम कहाँ तक पहुँचा? नर ने कहा, अभी जमीन तय कर ली है, बस कल से चुनाई शुरू करना है। इसी प्रकार दिन बीतते गए। नर आश्वासन पर आश्वासन देता रहा, छिपकली उसकी बातों में आती रही, मगर घर नहीं बना। गर्मियाँ आई, गर्मियाँ निकल गई, भयंकर गर्मी आई और बहुत धूप पड़ने लगी। छिपकली रोने लगी कि तुम तो कुछ करते नहीं, हर बार झूठ बोलकर मुझे पागल बना देते हो। यदि जोर से आंधी आई और यह चट्टान खिसक गई तो फिर हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? नर ने उसे बहुत आश्वासन दिया, लेकिन छिपकली रोती रही। उसने कहा, अच्छा तुम आज आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाता हूँ और भोजन लाते समय मैं मनुष्य का घर भी देखाऊंगा और फिर हम अपना मिलकर घर बनाएंगे। नर ने गांव में जाकर मनुष्य का घर देखा और उत्साहित होकर लौट आया, लेकिन खाली हाथ लौटता देख छिपकली फिर से रोने लगी। नर ने कहा, चुप हो जा पगली, तुझे क्या लगता है कि मैं खाली हाथ लौट आया हूँ? नहीं पगली, चल बाहुली मेरे साथ चल, मैं अपना घर ढूंढ आया हूँ। छिपकली खुशी खुशी उसके साथ चल दी। गांव के समीप जाकर नर ने कहा, देख ये सब हमारे ही तो घर हैं, हम लोग यहीं रहेंगे, हमारे बच्चे भी यहीं पलेंगे और हम लोग यहाँ खाने के लिए भी हमें कीड़े मकोड़े मिलेंगे और उन्हें खाएंगे और आराम से सोएंगे। छिपकली बोली, अरे नादान, यहाँ तो मैं रोज आती थी, लेकिन मेरे दिमाग में कभी भी ये बात क्यों नहीं आई? नर ने कहा, अरे पगली, तूने इस प्रकार से सोचा ही नहीं। फिर दोनों एक घर में घुस गए और नर कीड़े मकोड़े खाकर बड़े इत्मीनान से एक दीवार से चिपक कर सो गया। जब से ही छिपकली के घर नहीं होते हैं, वो सपरिवार इंसानों के घर में रहती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आलसी लोगों का कभी भी उत्थान नहीं हो सकता। वह भले कितने भी परिश्रमी हो, लेकिन वो जीवन भर खुद को ढोते रहते हैं। इसलिए आलस्य कभी नहीं होना चाहिए। आलस्य ही व्यक्ति को नीचा दिखाता है। जो लोग आलसी नहीं होते, वह जिंदगी खुशी खुशी से बिताते हैं और अपनी ज़िंदगी में बहुत प्रगति करते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करने ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद।